दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप बिहार के हैं, आपने ऑनलाइन आवासीय आयजाती के लिए अप्लाई किया था, तो अप्लाई करने के बाद वो आपको सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, या ब्लॉक से लेना होगा, या आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा, या आप ब्लॉक से लेते या ऑनलाइन डाउनलोड करते हैं, तो दोनों में क्या फ़र्क है, क्या दोनों में अंतर है, हम आपको पूरी चीज़ विस्तार से बताएंगे। क्या दोनों जो ऑनलाइन डाउनलोड करेंगे आप, क्या उसकी वैल्यू ओरिजिनल रहेगी, या वो ओरिजिनल ही होगा, या ब्लॉक से लिया हुआ डॉक्यूमेंट जो सर्टिफिकेट वो ओरिजिनल होगा, इस बात की हम पुष्टि करेंगे इस वीडियो में। और डाउनलोड भी करना आपको सिखाएंगे, किस तरह आप डाउनलोड भी कर सकते हैं अपनी सर्टिफिकेट को, कब अप्लाई करने के बाद कितने दिन के बाद आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी चीज़ आपको विस्तार से बताएंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश कर लेता हूँ कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में कुछ नया सीखते हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस घंटी के आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है, serviceonline.bihar.gov.in। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो इससे पहले मैंने आपको बताया किस तरह इस पे रजिस्टर होते हैं, किस तरह अकाउंट बनाते हैं, किस तरह लॉगिन करके आवासीय जाती आय अप्लाई कर सकते हैं, वो वीडियो अगर आप नहीं देखे तो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों जगह पे मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में जानते हैं क्या कैसे डाउनलोड कर पाएंगे, कैसे वैल्यू है, किसकी क्या वैल्यू है। तो चलिए लॉगिन पे क्लिक करेंगे और लॉगिन कर लेंगे। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन का डैशबोर्ड आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। जब आपने अप्लाई किया होगा तो अप्लाई का स्टेटस जानना आपको व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको पहला ऑप्शन मिलता है ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पे डेट पूछ रहा है कब से कब तक का आप स्टेटस जानना चाहते हैं। जिस दिन आप अप्लाई किए उस दिन एक दिन पहले का आपको डेट सेलेक्ट करना होगा। मान लीजिए 16 तारीख को आपने अप्लाई किया तो आप 15 तारीख को सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टू डेट में जिस दिन कर रहे हैं उस दिन ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट आ जाएगा। उसके बाद नीचे में आपको मिल रहा है गेट डाटा, तो गेट डाटा पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद आप मेरे द्वारा जितने भी अप्लाई किए गए सारा लिस्ट यहाँ पे आ चुका है, इनकम सर्टिफिकेट, रेसिडेंट, जितने भी सर्टिफिकेट, सारा सर्टिफिकेट आपको इस लिस्ट में आ जाएगा। जो भी डेट आपको मिला था, मान लीजिए ये एप्लीकेशन है, एक डिलीवरी मिला हो चुका है यानी कि बन चुका है, मिल भी चुका है, एक ही अंडर प्रोसेस यानी मतलब बनने वाला है। तो अगर आपका अंडर प्रोसेस दिखा रहे तो अंडर प्रोसेस भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका स्टेटस दिखा जाएगा, कंप्लीट एप्लीकेशन आपका कंप्लीट सक्सेसफुल हो चुका है। ठीक है, तो अब जो ये प्रिंट के लिए भेज दिया गया, ठीक है, ये हमारा दिखा रहा है प्रिंट के लिए भेज दिया गया, स्टेटस में कंप्लीट अगर दिखाएगा तो यहाँ पे दिख लीजिए अंडर प्रोसेस, जब बन जाएगा तो यहाँ पे कंप्लीट दिखाएगा। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे देख लीजिए 27 तारीख का डेट है, इसको मैंने अप्लाई किया था किस तारीख को वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करता हूँ यहाँ पे, इसको मैंने अप्लाई किया था 16 तारीख को, 16/7 को मैंने अप्लाई किया था। ठीक है, 16/7 को अप्लाई किया था और मुझे डेट मिला था 27/7 का, और 23 तारीख को हमको एक मेल मिला, आज 23 तारीख को हमको एक मेल मिला अंचल अधिकारी की ओर से, जिसमें बताया गया आपका एप्लीकेशन, आपका सर्टिफिकेट बनकर तैयार है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज हमको मेल पे आया था। अगर आप ईमेल एड्रेस दिए थे अप्लाई करते वक्त तब आपको मेल आया होगा। ठीक है, तो मेल आया तो मैंने चेक किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इनकम सर्टिफिकेट एक है जो मेरा बन चुका है, यहाँ पे देखिए डिलीवरी दिखा रहा है। ठीक है, डिलीवरी दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ड्यू डेट जो ये 30 तारीख को हमको डेट था देने का, 30 तारीख को मिलता, लेकिन हमको ये 23 तारीख को मिल गया, लेकिन 7 दिन पहले हमको ये मिल गया है आज। वो जो डेट दिया था 30 तारीख का डेट दिया था, 7 दिन पहले 23 तारीख को हमको एक मेल मिला जिसमें बताया गया आपका सर्टिफिकेट
बनकर रेडी है, आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो आप भी चेक करते रहिए, कभी भी आपका बन सकता है, कभी भी आपको मेल आ सकता है अगर अप्लाई करते वक्त मेल आपने दिया था ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे देखिए मेरा बन चुका था, यहाँ पे डिलीवरी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप डिलीवरी पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका नाम रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टेटस आपको दिखा रहा है, पहला स्टेटस जो आप अप्लीकेशन किया था सबमिट तो उसका कंप्लीट है, और ऑनलाइन जो किया गया था वो फॉरवर्डर हो चुका। और यहाँ पे देखिए 4 नंबर अप्रूवल ऑफ जनरल अप्लीकेशन, और यहाँ पे एक इनकम सर्टिफिकेट लिखा जो डिलीवरी दिया गया। तो इनकम सर्टिफिकेट पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो देखिए मैंने इनकम सर्टिफिकेट पे क्लिक किया तो यहाँ पे देख लिए हमारे पास हमारा इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड हो चुका है। अब इसे हम ओपन करेंगे, ये आप देख पा रहे हैं ये हमारा इनकम सर्टिफिकेट है। ठीक है, मैंने अपनी सिक्योरिटी जानकारी जो उसको मैंने हाइड कर दिया है लाल कलर में। ठीक है, यहाँ पे जो आपका डिस्ट्रिक्ट का नाम वगैरह, आपके अंचल का नाम वगैरह रहेगा, और ये हमारा इनकम सर्टिफिकेट हो गया। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी प्रमाण पत्र संख्या, आपका सर्टिफिकेट नंबर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद जिस डेट को इशू हुआ उस डेट का यहाँ पे तारीख रहेगा, उस दिन का यहाँ पे तारीख रहेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा डिटेल रहेगा, आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, और आपका पूरा एड्रेस, ग्राम, पोस्ट, थाना, अनुमंडल, जिला, मतलब सारा चीज़ रहेगा। उसके बाद यहाँ पे कुल परिवार का इनकम जो वो आपको यहाँ पे दिया रहेगा। देखिए मैंने जो 50,000 दिया था तो यहाँ पे 75,000 कर दिया गया है। ठीक है, जितना भी आप रखना चाहते हैं इतना 20-25 कम दीजिएगा तब उतना हो जाएगा। जैसे मैंने 50 दिया तो यहाँ पे 75 कर दिया गया। उसके बाद यहाँ पे QR कोड एक आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर देखिए क्या हुआ, डिजिटल सिग्नेचर बाय अनिल कुमार सिन्हा, ये सिग्नेचर क्या हुआ, डिजिटल सिग्नेचर है। ठीक है, तो ये ओरिजिनल ही हुआ, आपको ये ओरिजिनल ही है, आप इसे ऑनलाइन डाउनलोड करिए या ब्लॉक से ले, बात बराबर पड़ता है, दोनों को आप काम में ला सकते हैं, कहीं भी कोई किसी तरह का परेशानी आपको नहीं होगा। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट या कोई भी सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के बाद आप कोई नहीं रहे, अब प्रॉब्लम वहाँ पे आती है जिस भी सर्टिफिकेट में वेब कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी लिखा रहता है उसमें प्रॉब्लम आती है, वो यूज नहीं करती, लेकिन ये ओरिजिनल है, इसको आप यूज कर सकते हैं सभी जगह पे। अगर रेसिडेंट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो रेसिडेंट सर्टिफिकेट आपका सभी दिन के लिए होता है, उसकी वैलिड सभी दिन होता है जब तक आप एड्रेस नहीं बदलते, जाति जब तक वैलिड रहता है जब तक अपना जाति नहीं बदलते हो। इनकम सर्टिफिकेट कि आपका वैल्यू 1 साल रहती है, इशू की 1 साल, मतलब 23 तारीख को मैंने अप्लाई, 23 तारीख को मुझे सर्टिफिकेट मिला, तो 23 तारीख से लेकर 1 साल तक इस इनकम सर्टिफिकेट की वैलिड है। यहाँ पे लिखा गया वेतन निर्गत होने की तिथि से अगले 1 वर्ष तक की अवधि, जिस दिन निर्गत हुआ उसके एक साल तक इसकी वैल्यू रहेगी, अवधि रहेगी। इसी तरह अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते, जो भी सर्टिफिकेट होगा यहाँ पे आपको देख एक मिलेगा, इनकम सर्टिफिकेट है तो इनकम सर्टिफिकेट मिलेगा लिखा हुआ, अगर कास्ट सर्टिफिकेट तो कास्ट सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, कब मिलेगा, जब भी आपका यहाँ पे करंट स्टेटस में डिलीवरी दिखाता है, ठीक है, डिलीवर्ड, जब भी डिलीवर्ड दिखाता है आपको करंट स्टेटस में, तब आपका ये सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है और आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते। तो आज ने आप अपने सीख लिया किस तरह डाउनलोड कर पाएंगे सर्टिफिकेट को, और ओरिजिनल ब्लॉक से लाया हुआ या सर्टिफिकेट डाउनलोड किया हुआ, दोनों अंतर है, नहीं कोई अंतर नहीं है, दोनों का सेम वैल्यू है, दोनों में सेम वैल्यू, कोई भी अंतर नहीं है। ये पूरी तरह मैंने संतुष्ट होने के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, पूरी तरह कन्फर्म होने के बाद कि दोनों सर्टिफिकेट का वैल्यू सेम है, और दोनों सर्टिफिकेट डिजिटल सिग्नेचर क्या हुआ रहता है, मतलब कंप्यूटराइज सिग्नेचर क्या हुआ रहता है। तो कास्ट सर्टिफिकेट की वैल्यू जो होती है वो एक जब तक अपना कास्ट नहीं बदलेंगे तब तक रहेगी, और जब तक अपन उस एड्रेस पर रहेंगे तब तक आपकी रेसिडेंट की रहेगी, मतलब कि इस कास्ट और रेसिडेंट की आपकी वैलिडिटी सब दिन के लिए है जब तक आप अपना एड्रेस वगैरह नहीं बदलते हैं। लेकिन इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र की वैल्यू 1 साल होती, जिस तारीख को आपको आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ उस तारीख से लेकर अगले वर्ष तक, 1 वर्ष तक। तो
आज की इस वीडियो में सीख लिया आपने क्या अंतर होता है, कैसे डाउनलोड करते हैं। अगर पूरी तरह आप कंफर्म हो चुके हैं, पूरी तरह से समझ चुके हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि आप ऐसे ही यूजफुल वीडियो आप सबसे पहले देख पाए। वीडियो कैसा लगा कमेंट हमें करके बता दीजिए, और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट हमें जरूर कीजिएगा। किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए आपको वो भी हमें कमेंट कर दीजिएगा।